जो महागठबंधन के हम सभी साथियों ने जो विकल्प के तौर पे उनके सामने रखा है, जो रोड मैप और विजन उनके सामने रखा है, लोगों को एक उम्मीद सी जगी है। और मौजूदा एनडीए सरकार से, खास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री से, सबसे ज़्यादा गुस्से में नहीं बल्कि कह सकते हैं वो गुस्सा जो है नफ़रत में तब्दील हो चुका है। और इसके कारण भी है, इसके कारण है क्योंकि बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है देश में और बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं ये आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जहाँ डबल इंजन की सरकार हो वहाँ बेरोजगारी दर 46.6% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। और इसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा संकल्प महागठबंधन के साथियों ने लिया है और अपने प्रण में संकल्प को बिहार के सामने रखा है जो कि सच होने वाला है। तो आज इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर क्यों बिहार में शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, रोजी रोटी रोजगार को लेकर के भारी तादाद में लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, जहां बिहार का पैसा दूसरे प्रदेशों में जाता है, अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च हो पाता है, बाहर जाता है। ये बड़ा कारण है जिससे हमारा बिहार गरीब होता जा रहा है, क्योंकि बिहार में पैसे खर्च नहीं हो पाने। हम लोग लगातार हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और कहीं ना कहीं से एक नकारात्मकता उनके अंदर दिखी है। जब हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम और पहले मंत्रिमंडल में देने का संकल्प रखा बिहार के सामने, तो कहीं ना कहीं से बड़ी नकारात्मकता भरी टिप्पणियां नीतीश कुमार जी ने की। ऐसे कह रहे थे जैसे ये काम हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज के दौर में जब लोग चांद पे चले जाते हैं तो बिहार में कारखाने और नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती। नीतीश कुमार जी ने कहा, कुछ बात तो ऐसी बोली जिससे निजी हमला उन्होंने किया कि क्या अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो गाली दे या कुछ भी कोसे, उनका सब कुछ जो है हमारे को आशीर्वाद के रूप में लगता है। जब लैंडलॉक स्टेट की बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते, कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती। हमने कहा था तब तो पंजाब और हरियाणा राजस्थान भी लैंडलॉक स्टेट है, तो वहां कारखाने क्यों लगे हैं। बिहार के लोग पंजाब हरियाणा जाकर के रोजी रोटी क्यों कमाते हैं, उन फैक्ट्रियों कारखानों में क्यों काम करते हैं। हालांकि इसके बाद कोई जवाब नीतीश जी का आया नहीं। और ये बार बार वो कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हमने जो है 6 लाख लोगों को रोजगार दिया 15 सालों में। ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। वो बार बार कहते हैं कि हमने 6 लाख नौकरियां दी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये कभी नहीं बोला कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां थी, पक्की नौकरियां नहीं थी। वो जितने भी थे संविदा पे बहाली निकालते हैं, संविदाएं पे। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हमने पक्की नौकरियां दी। और जब हम कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां हम देंगे तो उनको शक होता है कि पैसा कहां से लाएगा। तो हमने पहले भी बताया था, पैसा
बिहार का कुल बजट 2,11,13,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 40% खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ होता है। एक 80,000 करोड़ अलग है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। दूसरा राइट फॉर एजुकेशन, जो सेंट्रल से जो फंड मिलता है लगभग 24 से 25 हज़ार करोड़, वो ये पैसा जो है लौटा देते हैं। लेकिन मैं सुशील कुमार मोदी जी को, नीतीश जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा है लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है, और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे, और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी संदेह है तो